सो हेलो एंड वेलकम गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जी टी सैन एंड रियाज लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने बूढ़े फार्मर के साथ मिलकर हमारी बना ली थी नई गैंग जो कि हमारे नए गराज में काम करना भी स्टार्ट कर चुके थे जैसे कि ये कर रहे हैं आपने देखा था लास्ट टाइम मैं इन सबको लेकर अपने गराज में वापस आ गया था और इन सब ने अपना काम बखूबी संभाल लिया था मैंने सबको अपना अपना काम समझा दिया था कि भाई टेक्निकल गायक को वहाँ पर पूरा टेक्निकल सेटअप करना है और बाकी दोनों ने गराज सेटअप करना जिससे कि ये लगे कि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पूरी टीम सेटअप हो गई थी और इन सबको इनका काम समझाने के बाद जो सी की सिस्टर है वो बोलती है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस करना है सोना रोड और गुड़गांव के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है मुझे उन पर इन्वेस्ट करना है तो भाई सीजर भी उसको उल्टी ना से देख रहा था भाई ऐसे नहीं हो सकता तू गलत नहीं जा सकती है भाई ये ठीक है मैंने उसको समझाया बट वो कहती तुम अपना गराज का काम करो इलीगल काम करो मैं अपना देखूंगी प्रॉपर्टी का तो भाई वो उस प्रॉपर्टी के बाद चली या प्रॉपर्टी की बात करने का चली जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पर उस सारे बिजनेस को देखने के लिए और वहाँ पर उसे कोई छेड़ देता है छेड़ने के बाद भाई वो आ जाती है वापस पूरे गुस्से में और हम दोनों पे चिल्लाने लग जाती है भाई तुम्हारे होते हुए अगर मुझे कुछ ऐसे बोल सकता है तो तुमने वो होने की ज़रूरत क्या है यहाँ पर तो भाई तो उसमें वो सीज़र थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा हो जाता है ये बोलता भाई मैं उनको देखता हूँ पर फिर मैं बोलता भाई मेरा नाम है सीजे तेरा नाम है सीज़र तो अपनी औकात में रहो मुझे जाना है उनके पास मैं उनको बताता हूँ कि मैं हूँ कौन उन्होंने प्रीवियस सिटी में, में मेरा नाम सुना नहीं होगा तो इसलिए वो अभी बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर और साइट पर पहुँचते उनका एक जो लेबर था भाई वो भागा मेरी तरफ फावड़ा लेकर उसको मैंने एक ही गोली में लुटा दिया है उसका फावड़ा लिया है छीन पर इतनी देर में भाई पूरी कंस्ट्रक्शन साइट जो है ओफेंड हो रखी है और एक बंदा बिल्डोजर लेकर मुझे मारने आया था इसको मेरी मम जिसको मारी मैंने खींच के ला तो भाई उसी का बिलडोजर लेके उनका पहला जो रूम था टेम्प्रेरी रूम उसको मैंने तोड़ दिया जिसके अंदर इन्होंने सामान रखे हुए थे और इसके बाद भाई मैप पे मुझे दिखा रहा है तकरीबन सात और इनके टेम्प्रेरी रूम है जिनको मैं आज उखाड़ फेंकूंगा इसी बिलडोजर से इन्होंने बिलडोजर का लाइक आइडिया दिया था मुझे भाई अगर आप देख रहे हो रेड कलर के बैरल्स रखे हुए बैल लाइक बैरल्स रखे हुए हैं हर रूम के पास अगर मैंने किसी भी रूम पर गलत तरीके से टक्कर मारी तो वो बैरल फट जाएंगे और ये बिलडोज़र भी फट सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा ये वाला मिशन इसमें मुझे सारे के सारे रूम्स तोड़ने हैं पहले और जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर के यूनियन लीडर ने उसको छीड़ा था उसको मैं नहीं छोड़ने वाला तो भाई मैं जा रहा हूँ इन सारे के सारे लाइक बैरक्स को तोड़ने के लिए इनके एक टेम्प्रेरी बैरक्स को जिसमें अभी ये रहते हैं उनका सामान रखा हुआ है वैसे मैं पर एक और बिल्डोजर खड़ा था बट उनके पास बिल्डोजर क्यों छोड़ना भाई उनका बिल्डोजर पहले छीना हमने एक ये लास्ट बैरक बच गया है इसके बाद और भाई इसके बाद नंबर आएगा उस यूनियन लीडर का जिसने ये सारा गलत काम किया है वो मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं फिलहाल वो इस डब्बे के अंदर कर रहा था अपना दो नंबर और दो नंबर के बाद वो निकल के बाहर उठता भाई ये क्या हल्ला गुल्ला चल रहा है जब उसने देखा कि यहाँ तो बवंडाराया हुआ वो वापस जाके उसी लेटरिंग वाले पॉट में छुप गए दोबारा से तभी मुझे आइडिया आता है कि भाई यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ और यहाँ पर एक सीमेंट का ट्रक भी रेडी है तो भाई इसको तो मैं जिंदा ही चुनूँगा इसको बनाऊंगा ना अनार का लिए अब भाई मैंने बिलडोज़र घुमाया और मैं जा रहा हूँ सीधा उसके कंटेनर के पास जहाँ पर वो बंदा है तभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर और आ जाते हैं उसको बचाने के लिए और इतने में तो भाई मैं उसको कर देता हूँ ढेर बिलडोजर से ही भाई बिलडोजर से बिल्डिंग ही नहीं बच रही तुम लोग पैदल कैसे बांध के आ रहे हो समझ नहीं आ रहा मुझे भाई उस बंदे को मैंने डाला गड्ढे में और एक गड्ढे में चला गया हूँ मैं भी तो ये कहा कि सत्य सत्य होती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो तो खुद भी उसी गड्ढे में गिरता है खोदा नहीं था पर मैंने उसको गिराने की कोशिश की तो मैं गिर गया लाइक सेम सेम थिंग तो बाहर निकालने की मैंने पूरी कोशिश की बिलडोजर से पूरी जान लगा दी लग तो रहा है कि निकल जाएगा बट फिर लग रहा है कि छोड़ो इसे वैसे ही निकल जाता है तो भाई मैं इसको छोड़ कर निकल गया वो बाहर वैसे तो नहीं लग रहा था बस उस डब्बे के ऊपर चढ़ कर ही मैं निकलूंगा बाहर और अब जा रहा हूँ मैं उस कॉन्क्रीट के ट्रक के पास जिसके अंदर कॉन्क्रीट भरा हुआ है और पूरी तरह से रेडी है मेल्ट होने के लिए तो भाई मैं उस ट्रक को लेकर निकल गया हूँ आगे कंस्ट्रक्शन वर्कर ने फिर मुझे रोकने की कोशिश की पर नहीं मैं निकल गया और अब उस गड्ढे को कर देंगे फिल तो भाई अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक इस कंस्ट्रक्शन वर्कर ने फिर मुझे भाई आके रोक लिया भाई ये पूरी पूरे लॉयल बंदे हैं अपने मालिक के लिए रोकने की कोशिश की पर मारा गया और क्या होता भाई तो मेरा जो कंक्रीट का ट्रक है ये फंस गया अगर ये फसा ही रहेगा तो ये होगा नहीं दोबारा करना पड़ेगा जैसे तैसे करके घुमा घुमा के मैंने इसको निकाल लिया है बाहर और सामने कंस्ट्रक्शन वर्क वर्कर फिर फंस के मर गया इसके नीचे भाई अब हम आ गए हैं लोकेशन पर और अब हमने छोड़ दिया है पूरा का पूरा कॉन्क्रीट और उस यूनियन लीडर की बना दिया है हमने अनार कली उसको जिंदा चिनवा दिया है उस गड्ढे के अंदर और अब इनमें से कोई भी उसे कुछ नहीं बोल पाएगा आई होप उसके दिमाग से भी वो सोना रोड के प्लॉट वाली बात निकल चुकी होगी और अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी बट देखते हैं लड़कियों के दिमाग को कुछ बोल नहीं सकते हम लोग तो मिशन हो गया है कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ वापस उसे ये बताने के भाई एवरीथिंग इज सॉर्टेड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट रख मुझे आ गया था पसंद तो मैं सोच रहा था इसको अपने गराज में खड़ा कर लूँ बिकॉज एनी हो अब तो हमारा ये पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पीछे वाली और ये भी हमारी प्रॉपर्टी है हमको हमने कर दिया है सबको ढेर कोई डीलर वीलर आएगा तो देखेंगे बाद में भी एक गाड़ी एक पुलिस की बाइक कॉलनीस के अंदर खड़ी थी तो उसको मैंने छोड़ दिया फिलहाल मैं तभी मेरे पास कॉल आता है ये बताने के लिए कि हर मंडे और फ्राइडे सिटी से एक बड़ी वैन पैसा लेके जाती है जो कि मुझे बूढ़े फार्मर ने भी बताया था तो उसी बूढ़े फार्मर ने उसी कंपनी में काम करने वाले एक बंदे को दिए थे पैसे कि भाई तू मुझे हर बार डिटेल देगा और हम तुझे देंगे कट जितना भी अमाउंट चोरी होगा उसमें से तो उसने हमें डेट और टाइम तो कन्फर्म कर दिया कि हर मंडे और फ्राइडे जाती है इस टाइम पर तो मैंने पूरा उससे समझा कि भाई कैसे है क्या है तो उसने मुझे पूरा बता दिया कि भाई आप मंडे फ्राइडे बाइक या गाड़ी लेकर जाओ उस वैन के आगे अड़ाओ और जो भी गनमन आपके पास हो दिखा कर पैसे छीन लो लाइफ सॉर्टेड है तो उसी की बात सुनकर मैं थोड़ा सा लाइक खुश तो हो गया था लेकिन देखते हैं अभी क्या चलता है अभी डे का टाइम हो गया है पहले मैं करूँगा मिशन को सेव ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक ना जाए और अब मैं सोच रहा हूँ बाइक ले जाकर देखता हूँ कि वो चल क्या रहा है आज है मंडे और मैप पर मुझे वो रेड डॉट दिखाई दे रहा है तो मैं सोच रहा हूँ पुलिस वाली बाइक ले जाऊँ और उसको देखता हूँ कि भाई वो बंदे करते क्या हैं कैसी वैन है और क्या हिसाब किताब है लेकिन पूरा सेटअप आज मैं करूँगा नहीं आज मैं बस उनका रास्ता देख रहा हूँ कि किस रास्ते से वो होकर गुजरती है और कहाँ पर मुझे ईज़ी मिल जाएगी और ये याद रखना कि वो मूविंग मैन है अगर आप मैप देख भी चलते हो तो एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर आपको मिलेगी नहीं वो भी लोकेशन चेंज होती रहती है तो आपको बस उसका रास्ता पकड़ना है किस रास्ते पर है और वहीं पर उसे घेर के लपेट देना है मतलब छीन लेने हैं पैसे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान अपने घर वालों का रखो ध्यान बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए बात पर बोल रहा हूँ तो तब तक के लिए राम राम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना थैंक यू सो मच बाय बाय